स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल चैनल बाय नेहा। हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको मेथड बताया कि कैसे हम पहचानेंगे कि कब हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई मेथड अप्लाई करेंगे। वो ट्रिक आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जिससे आपको कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जिन बच्चों का यदि वो वीडियो मिस हो गया है, मैं आई बटन पे वहाँ डिस्क्रिप्शन की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वो क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उसी लेक्चर को आज आगे बढ़ाते हैं, हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर वाई का सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वाई माइनस टू पी एक्स प्लस एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या ट्रिक बताई थी कि यदि पूरे इक्वेशन में सिंगल वाई दिख जाए तो दैट मीन्स वो सॉल्वेबल फॉर वाई का मेथड यूज होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो आपकी इक्वेशन गिवन है उसमें LHS में y रखिए, बाकी सारी वैल्यू राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमको LHS में y रखना है, बाकी सारी वैल्यू राइट साइड शिफ्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2px माइनस xp स्क्वायर ये करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो टू पी प्लस टू एक्स और ये डी पी अपॉन डी एक्स। आई होप कि डिफ्रेंसिएशन आपसे अच्छे से आता होगा। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस टू एक्स पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। और हम सब जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, पी। तो पी इज इक्वल टू टू पी प्लस, इसे हम साथ में लिख लेते हैं, टू एक्स डी पी बाई डी एक्स माइनस टू एक्स पी डी पी अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ पी स्क्वायर। इस पी को हम यहाँ ले जाते हैं तो यहाँ जीरो आ जाएगा, दैट मीन्स टू पी और ये माइनस ऑफ पी और इसे माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस टू एक्स डी पी बाई डी एक्स माइनस टू एक्स पी डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए 2p माइनस पी ये बचा p माइनस पी स्क्वायर प्लस, इन दोनों में कॉमन देखिए 2x dp by dx, 2x dp by dx, तो 2x dp by dx। यहाँ से क्या बचा, 1 माइनस और क्या बचा, p इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में भी देखिए क्या कॉमन है, p, तो 1 माइनस p प्लस 2x dp by dx 1 माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। अब 1 माइनस पी दोनों में कॉमन है, तो 1 माइनस पी प्लस क्या बचेगा, पी प्लस 2x और डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम देख रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है उस वो क्या है, उसमें कोई भी पी का डेरिवेटिव नहीं है। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज दिस डज नॉट कंटेन्स एनी डेरिवेटिव्स ऑफ पी। लिखेंगे कि फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर नेगलेक्टिंग बिकॉज देयर आर नो डेरिवेटिव्स ऑफ पी। तो ओनली हम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे, सेकेंड फैक्टर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पी प्लस टू एक्स डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमें वेरिएबल सेपरेबल करना है। देखिए ये डी एक्स को हम यहाँ ले आए और ये एक्स यहाँ हो गया, प्लस टू डी पी बाई पी इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग इट, तो 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस टू 1 बाई पी
डी पी, चूंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन लॉग के फॉर्म में आएगा, इसलिए हम इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट डी लॉग ऑफ सी ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस टू लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, लॉग ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। लॉग एम प्लस एन तो लॉग ऑफ एम एन, तो लॉग ऑफ एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। लॉग से लॉग कैंसिल, तो एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी या पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय एक्स। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, सी बाय एक्स। तो अब ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू मिली है सी बाय एक्स, उसमें हमको काम क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। ठीक है, जो हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आई है उसे हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बच्चों आप लोगों को, यहाँ तक आप लोग काम कर लेंगे। क्लियर है ना, अब देखिए हम क्या करते हैं, पुट पी स्क्वायर चलिए देखते हैं, पुट पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय एक्स या पी की वैल्यू हम रख सकते हैं अंडर रूट सी बाय एक्स इक्वेशन फर्स्ट में। तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स और इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट सी बाय एक्स माइनस एक्स पी स्क्वायर एक्स इंटू पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सी बाय एक्स। देख रहे हैं एक्स से एक्स कैंसिल, तो हमें क्या मिला, वाई इज इक्वल टू टू एक्स अंडर रूट सी बाय एक्स माइनस ऑफ सी। इस माइनस सी को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो वाई प्लस सी इज इक्वल टू टू एक्स अंडर रूट सी बाय एक्स, ये इसका आंसर हो गया। यदि आप इसे अंडर रूट हटाना चाहते हैं तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर इंटू सी बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स सी। ये इसका फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सॉल्वेबल फॉर पी आपको आता है, तो सॉल्वेबल फॉर वाई सॉल्व करना भी बहुत आसान है, मेथड वही है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब सॉल्वेबल फॉर वाई बनेगा, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं कि सिंगल सिंपल एक सिंगल वाई यदि मिल जाए तो हमारे पास सॉल्वेबल फॉर वाई मेथड लगेगा। और बहुत सिंपल है कि LHS में वाई रखिए, बाकी सारी वैल्यू राइट साइड शिफ्ट करते हैं और देन हम डिफ्रेंशिएट करके सारा प्रोसेस करते हैं और बहुत आसानी से अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए। फिर भी यदि बच्चों कोई डाउट्स रह जाता है, कोई भी डाउट्स आपके मन में आता है, तो मुझे कमेंट्स के थ्रू आप ज़रूर अपने डाउट्स सेंड करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को मैं जल्दी जल्द क्लियर कर पाऊँ। जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स अपने सेंड करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।